तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लिटल नाम की इस मूवी के दूसरे पार्ट के बारे में यानी एक से पार्ट टू इसका हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है दोस्तों ये जो मूवी है इसका जो फर्स्ट पार्ट है दो में हमें देखने को मिला था अब इसके अगले पार्ट का हमको इंतज़ार था तो उसके बारे में कुछ अपडेट में जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही साथ ये पिछले पार्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा कर से आल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहे तो इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं ब्रिटिश एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन इलियट लेस्टर ने किया है जिसे नाथन पार्कर ने लिखा है और इसमें जेसन स्टैथम पैडी कॉन्सीडीन एडन गिलन और डेविड मॉरिसी ने अभिनय किया है दो यह फिल्म केन ब्रुएन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है जिसमें उनके आवर्ती पात्र डिटेक्टिव सार्जन टॉम ब्रैंड और चीफ इंस्पेक्टर जेम्स रॉबर्ट्स हैं तीन कहानी एक हिंसक पुलिस अधिकारी की है जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो दक्षिण पूर्व लंदन में पुलिस अधिकारियों की हत्या कर रहा है यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में लायंस गेट यूके द्वारा 20 मई 2011 को रिलीज की गई थी कथानक एक सीरियल किलर दक्षिण पूर्व लंदन में पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहा है दो पुलिस कांस्टेबलों की गोली मारकर हत्या और चीफ इंस्पेक्टर ब्रूस रॉबर्ट्स की पीट पीट कर हत्या के बाद हत्यारे की पहचान की तलाश शुरू होती है सार्जेंट पोर्टर नैश को जांच का नेतृत्व करने के लिए पुलिस की दक्षिण पूर्व लंदन शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाता है भले ही नैश एक बाहरी व्यक्ति है और खुले तौर पर समलैंगिक होने के कारण उसके साथी अधिकारियों द्वारा उसका व्यापक रूप से उपहास किया जाता है उसे आश्चर्य होता है कि उसे गर्म स्वभाव वाले कर्कश जासूस सार्जेंट टॉम ब्रैंड में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिल जाता है जिसका हिंसक घटनाओं का इतिहास रहा है जांच के दौरान पीसी एलिजाबेथ फॉल्स से उसका एक दोस्त मिलने आता है जो मेटल नामक एक युवा गिरोह का सदस्य है जिसे डर है कि उसके गिरोह ने वास्तव में किसी को मार दिया होगा स्थिति की जांच करने का वादा करते हुए फॉल्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर क्रेग स्टोक से संपर्क करता है जो फॉल्स के साथ डेट पर जाने पर मदद करने के लिए सहमत होता है ब्रांड के मुखबिरों में से एक रेडन ब्रांड और नैश को बैरीवीस नामक एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसने हाल ही में अभ्यास के लिए एक पुलिस कुत्ते को आग लगाने के बारे में शेखी बघारी थी हालांकि ब्रैन्ट और नैश वीस के फ़्लैट पर जाते हैं लेकिन वे तुरंत उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं पा सकते हैं ब्रेंट वीस को उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसे उसने एक साल पहले बिलियर्ड हॉल में लड़ाई में पीटा था उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं रेडन खुद ही जांच करने का फ़ैसला करता है और अंत वह प्रतीत होता है कि परित्यक्त कार को खोज लेता है जिसमें वीस अपनी हत्याओं की ट्रॉफ़ी रखता है जिससे पुष्टि होती है कि वीस ही हत्यारा है इस बीच वे इस एक अखबार के रिपोर्टर हेरोल्ड डनलप से संपर्क करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी हत्याओं को प्रेस में पर्याप्त कवरेज मिले वे इस डनलप को उसकी हत्याओं के बारे में अपडेट रखने का वादा करता है और घोषणा करता है कि वह ब्लिच के नाम से जाना जाना चाहता है इसके तुरंत बाद डनलप से रेडन भी संपर्क करता है जो अपनी जानकारी को उच्च कीमत पर बेचने में रुचि रखता है हालांकि रेडन डनलप को वे इसकी कार तक ले जाता है लेकिन वे इसका नाम बताने से पहले ही उसे मार देता है डनलप फिर पुलिस को कार के बारे में सूचित करता है लेकिन वे उसे खाली पाते हैं ब्रेंट और एक साथी पुलिस कांस्टेबल को पता चलता है कि ब्लिच के अब तक के सभी शिकार पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अतीत में वेस को गिरफ्तार किया है और पीसी फॉल्स सबसे अधिक संभावना है कि अगला शिकार है स्टोक्स के साथ अपनी डेट से घर लौटने के बाद फॉल्स पर द्वारा हमला किया जाता है लेकिन मेटल द्वारा उसे बचा लिया जाता है जो आगामी संघर्ष में मारा जाता है इससे पहले कि वेस फॉल्स पर फिर से हमला कर सके पुलिस आ जाती है ब्रैंड और नैश वीस को बाहर निकालने के लिए मीडिया को उसकी तस्वीर जारी करने का फ़ैसला करते हैं जिसके बाद आखिरकार एक लंबी तलाश के बाद वीस को पकड़ लिया जाता है हालांकि वीस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है इसलिए 48 घंटे और पूछताछ के बाद जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता पुलिस वीस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है हताश होकर ब्रांट और नैश वीस को धोखा देने के लिए एक साजिश रचते हैं यह जानते हुए कि वीस बिलियर्ड हॉल की लड़ाई के लिए ब्रैंड से बदला लेना चाहेगा वे इस चीफ इंस्पेक्टर रॉबर्ट्स के अंतिम संस्कार में घुस जाता है रॉबर्ट्स की वर्दी पहने हुए जिसे उसने उसकी हत्या करने के बाद चुराया था सेवा के दौरान ब्रांट वहां से चला जाता है उसके पीछे वे भी होता है ब्रेंट वे को एक पार्किंग गैराज के ऊपर ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि रास्ते में ब्रेंट और नैश ने अपनी जगह बदल ली थी छिपे हुए ब्रैंड से हैरान वे को बेरहमी से पीटा जाता है उसे काबू में किया जाता है और उसकी बंदूक छीन ली जाती है यह समझाते हुए कि वे वेस को कानूनी रूप से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत कभी नहीं पाएंगे ब्रेंट निष्कर्ष निकालता है कि वे अब एक सुविधाजनक स्थिति में हैं चूंकि वे इसने एक पुलिस अधिकारी की पोशाक पहनी हुई है और ब्रैंड के पास ब्लिच की बंदूक है वे उसे उसकी ही बंदूक से गोली मार सकते हैं और ऐसा लगेगा कि वे इस ब्लिट्स के पीड़ितों में से एक था वेस की हत्या के बाद ब्रैंड ने डलप में कुत्तों को मुक्त कर दिया ताकि वे वेस का पीछा करें क्योंकि वे वेस और पुलिस के खिलाफ लेख लिखकर कवरेज प्राप्त करना चाहते थे कास्ट जेसन स्टेथम डीएसटॉम ब्रैंड पैरी पोर्टर नैश एक कार्यवाहक निरीक्षक और टॉम का साथी एडन गिलन बैरी ब्लिच वेस एक विक्षिप्त सीरियल पुलिस हत्यारा डेविड मॉरिसी, हेरोल्ड डनलप ज्वे एस्टन डब्ल्यूपीसी एलिजाबेथ फॉल्स के रूप में इवांस, डीआई क्रेग स्टोक्स के रूप में मार्क रेलांस सीआई ब्रूस रॉबर्ट्स निकी हेंसन अधीक्षक ब्राउन डेनेही रेडन रॉन डोनाची क्रॉस के रूप में उत्पादन फिल्म की पटकथा नाथन पार्कर ने लिखी थी फिल्म की शूटिंग अगस्त 2010 में लंदन में हुई थी चार ब्लिच लायंस गेट यूके द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी फाइव स्वागत ब्लिच को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली रोटन टोमाटोज पर 25 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 48 परसेंट की स्वीकृति रेटिंग मिली है वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है एक मध्यम अपराध थ्रिलर जो काफी हद तक थकाऊ रूप से परिचित भागों से बना है ब्लिच शैली की रेखा के पीछे जेसन स्टैथम के प्रदर्शन को मात देती है सेक्स एम्पायर के डेविड ह्यूजेस ने फिल्म को पांच में से तीन स्टार दिए और लिखा एक रफकट क्राइम थ्रिलर जो जेसन स्टैथम को परिचित मैदान पर वापस लाती है और वह करती है जो वह सबसे अच्छा करता है साथ द गार्जियन के कैथ क्लार्क ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और लिखा कौन जानता है हम दोषी खुशी वाली फिल्म के विकास को देख रहे हैं दर्शकों को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए शीर्ष प्रतिभाव के साथ भरा हुआ एट बॉक्स ऑफिस ब्लिच ने दुनिया भर में कुल पंद्रह सात सौ चौहत्तर नौ सौ अड़तालीस की कमाई की एक फिल्म ने घरेलू डीवीडी और ब्लूरे बिक्री से तीन शू छह पांच सात सौ चवालीस की अतिरिक्त कमाई की वन जिग्म जैन जाएजी खेमैसा बोर्न नवंबर ट्वेल्फ नाइनटीन सिक्सटी नाइन वन 2. Is a Swedish British entertainment studio executive and film executive producer. He is the CEO and founder of True Brit Entertainment. 3. A British based theatrical distributor dedicated exclusively to co financing and co producing British feature films and television. 4. Previously, Kamesa was group CEO of Marv. 5. Partnering with director and producer Matthew Vaughan, where he oversaw the expansion of the Kingsman franchise and produced the film Tetris. 2023, starring Taryn Edgerton, as well as Vaughn's latest big budget film, Argyle, 2024, starring Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, and John Cena, due to be released through Universal Pictures and Apple TV Plus in 2024. Kamesa was CEO of Lionsgate UK and Europe until July 2020. Six where he was a major supporter of british independent films investing and releasing over 60 british films as well as producing films such as Harry Brown 2009 Salmon Fishing in the Yemen 2011 The Railway Man 2013 Brooklyn 2015 Eddie the Eagle 2015 and London Has Fallen 2016 7 career kamesa was educated at highgate school until 1987 and started his film career in 1993 as founder and managing director of tv production company scorpio productions based at pinewood studios in 1998 he co-founded with simon franks the independent film distribution company redbus film producing and distributing films in the uk including bend it like beckham 2002 and good night and good luck 2005 in October 2005, Redbus Film was sold to Lionsgate Entertainment for $35 million, eight, and became Lionsgate UK in February 2006, 9. As CEO of Lionsgate UK and Europe, Kamesa oversaw the investment, production, and distribution of UK top 10 box office films, including three installments of the Hunger Games franchise, The Expendables, and its sequels, Catherine Bigelow's Oscar-winning The Hurt Locker, 2008. And action films Olympus Has Fallen, 2013, and its sequel London Has Fallen, 2016. Dot. 10. He also led UK distribution for Deepwater Horizon, 2016, and La La Land, 2016. Kamas's credits as executive producer of UK films include Salmon Fishing in the Yemen, 2011, starring Ewan McGregor and Emily Blunt, The Railway Man, 2013, starring Colin Firth and Nicole Kidman, A Little Chaos. 2014, starring Kate Winslet and Alan Rickman, Eddie the Eagle, 2015, starring Taryn Edgerton and Hugh Jackman, and Brooklyn, 2015, starring Saoirse Ronan, 11. Kamesa has had a long history of backing British independent feature films, having been executive producer on over 40 British titles. Citation needed. In 2023, his latest business venture is True Brit Entertainment, a British-based theatrical distributor dedicated exclusively to co-financing and co-producing British feature films and television. Four, three. References: Jigman Jan, Jiggy Kamsa, जन्म 12 नवंबर 1971, 1, Do, एक Swedish-British Manoranjan studio कार्यकारी or film कार्यकारी निर्माता है. True Brit Entertainment के CEO और संस्थापक हैं. Three. एक ब्रिटिश आधारित नाट्य वितरक जो विशेष रूप से ब्रिटिश फीचर फिल्मों और टेलीविजन के सहवित पोषण और सहनिर्माण के लिए समर्पित है फौर इससे पहले कामसा के समूह के सीईओ थे पांच निर्देशक और निर्माता मैथ्यू वॉन के साथ साझेदारी करते हुए जहां उन्होंने किंग्समैन फ्रेंचाइजी के विस्तार की देखरेख की ऑटेट्रिस दो फिल्म का निर्माण किया जिसमें टेरॉन एगटन ने अभिनय किया साथ ही वॉन की नवीनतम बड़े बजट की फिल्म अर्गिल 2024 जिसमें हेनरी कैविल सैम रॉकवेल ब्रायस डलास हॉवर्ड सैमुअल एल जैक्सन और जॉन सीना ने अभिनय किया जिसे 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स और एप्पल टीवी प्लस के माध्यम से रिलीज किया जाना है कामसा जुलाई 2020 हज़ार बीस तक लायंसगेट यूके और यूरोप के सीईओ थे छह जहां वे ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्मों के एक प्रमुख समर्थक थे उन्होंने 60 से अधिक ब्रिटिश फिल्मों में निवेश और रिलीज किया साथ ही हैरी ब्राउन दो सेलमन फिशिंग इन द यमन 2011; हजार ग्यारह द रेलवे मैन दो हजार तेरह ब्रुकलिन दो हजार पंद्रह एडी द ईगल दो हजार पंद्रह और लंदन है एज फॉलन दो हजार सोलह जैसी फिल्मों का निर्माण किया सेवन कैरियर कामसा ने उन्नीस तक हाईगेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और उन्नीस में पाइनवुड स्टूडियो में स्थित टीवी प्रोडक्शन कंपनी स्कॉर्पियो प्रोडक्शंस के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया उन्नीस में उन्होंने साइमन फ्रैंक्स के साथ मिलकर स्वतंत्र फिल्म वितरण कंपनी रेडबस फिल्म की स्थापना की जो यूके में बेंड इट लाइक बेखम दो और गुड नाइट एंड गुड लक दो सहित फिल्मों का निर्माण और वितरण करती है अक्टूबर 2005 में रेडबस फिल्म को लायंस गेट एंटरटेनमेंट को 35 मिलियन डॉलर में बेच दिया गया आठ और फरवरी 2006 में लायंस गेट यूके बन गया नाइन लायंस गेट यूके और यूरोप के सीईओ के रूप में कामासा ने द हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी की तीन किस्तों द एक्सपेंडेबल्स और इसके सीक्वल कैथरीन बिगेलो की ऑस्कर विजेता द हर्ट लॉकर दो और एक्शन फिल्मों ओलंपस है एसफॉलन दो हजार और इसके सीक्वल लंदन है एस एसफॉलन 2016 सहित यूके की शीर्ष दस बॉक्स ऑफिस फिल्मों के निवेश उत्पादन और वितरण की देखरेख की दस उन्होंने डीप वाटर होराइजन 2016 और ला और लाला लैंड दो के लिए यूके वितरण का भी नेतृत्व किया यूके फिल्मों के कार्यकारी निर्माता के रूप में कामासा के क्रेडिट में सैलमन फिशिंग इन द यमन 2011, इवान मैकग्रेगर और एमिली ब्लंट अभिनीत द रेलवे मैन दो कॉलिन फर्थ और निकोल किडमैन अभिनीत ए लिटिल कैस 2014 हजार किट विंसलेट और एलन रिकमैन अभिनीत एडी द ईगल 2015 हजार पंद्रह टेरॉन एगटन और ह्यू जैकमैन अभिनीत और ब्रुकलिन 2015 हजार पंद्रह साउर से रोनन अभिनीत शामिल है। इलेवन कामासा का ब्रिटिश स्वतंत्र फीचर फिल्मों को समर्थन देने का एक लंबा इतिहास रहा है वह 40 से अधिक ब्रिटिश शीर्षकों पर कार्यकारी निर्माता रहा है उद्धरण वांछित दो में उनका नवीनतम व्यावसायिक उद्यम ट्रू ब्रिट एंटरटेनमेंट है जो एक ब्रिटिश आधारित नाट्य वितरक है जो विशेष रूप से ब्रिटिश फीचर फिल्मों और टेलीविजन के सहवित पोषण और सहनिर्माण के लिए समर्पित है फोर थ्री पैट्रिक जॉर्ज कॉन्सिडाइन जन्म पांच सितंबर उन्नीस एक अंग्रेजी अभिनेता निर्देशक और पटकथा लेखक हैं उन्हें स्वतंत्र फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है उन्हें दो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार तीन इवनिंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म पुरस्कार और 2007 वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए सिल्वर लायन पुरस्कार मिला है उनकी पहली प्रमुख ऑन स्क्रीन उपस्थिति फिल्म निर्माता निर्देशक शेन मीडोज के साथ उनके पहले सहयोग में थी जो ए रूम फॉर रोमियो ब्रास उन्नीस में थी और पावेल पावलिकोव्स्की की लास्ट रिजॉर्ट 2000 में अल्फी थे अन्य क्रेडिट में डॉक्टर स्लिप 2002 चौबीस ओवर पार्टी पीपल 2002, इन अमेरिका 2003, माय समर ऑफ लव 2004, हजार चार डेड मैंस शूज दो शामिल हैं जिसने 2005 में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता का एम्पायर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बीआईएफए पुरस्कार के लिए नामांकन मिला उन्होंने डॉग ऑलटेदर 2007 लिखी और निर्देशित की जिसने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता और 2011 में इसका फीचर फिल्म रूपांतर टायरानोसॉर जिसने ब्रिटिश लेखक निर्देशक या निर्माता द्वारा उत्कृष्ट शुरुआत के लिए बाफटा स्टेज पर कॉन्सीडीन को रॉयल कोर थिएटर में द फेरी मैन गिलगर थिएटर में और ब्रॉडवे पर बर्नार्ड बी जैकब्स थिएटर में उनके प्रदर्शन के लिए 2018 और 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ओलिवियर अवार्ड्स और टोनी अवार्ड के लिए नामांकन मिला टेलीविज़न पर कॉन्सिडी नेपू दो सौ उनतालीस दो हज़ार छह माई जिंक बेड दो हज़ार आठ रेड राइडिंग दो हज़ार नौ इन्फॉर्मर दो हज़ार अठारह द सस्पिशंस ऑफ मिस्टर वेचर सीरीज़ की टेलीविज़न फिल्मों दो से दो में मुख्य भूमिका निभाई है अन्य टेलीविजन क्रेडिट में पीकी ब्लाइंडर्स 2016, हजार सोलह द आउटसाइडर दो हजार बीस द थर्ड डे दो हजार बीस शामिल हैं और सबसे खास तौर पर उन्होंने हाउस ऑफ द ड्रैगन प्रारंभिक जीवन कॉन्सीडीन का जन्म बर्टन अपॉन ट्रेंड स्टेफोर्डशायर में हुआ था जहां वे अभी भी रहते हैं एक दो वे अपने भाई और चार बहनों के साथ बर्टन के एक गांव विंसहिल में एक काउंसिल एस्टेट में पले बढ़े दो तीन उनके पिता मार्टिन जोसेफ कॉन्सीडीन आयरिश थे चार कॉन्सीडीन ने अन्य स्कूलों के अलावा एबॉट बेने सीनियर स्कूल और बर्टन कॉलेज में पढ़ाई की उन्नीस में उन्होंने बर्टन कॉलेज में परफॉर्मिंग आर्ट्स में नेशनल डिप्लोमा करने के लिए दाखिला लिया जहां उनकी पहली मुलाक़ात शेन मीडोज से हुई वन थ्री उन्नीस में कॉन्सिडाइन ब्राइटन विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी का अध्ययन करने के लिए चले गए वहां रहते हुए उन्होंने सामाजिक वृत्त चित्रकार पॉल रीस के अधीन अध्ययन किया जिन्होंने एक परियोजना का वर्णन किया विंशिल में उनके घर में कॉन्सिडाइन के माता पिता के चित्रों को बहुत शानदार बताया दो एक समय पर कॉन्सिडाइन को निष्कासन की धमकी दी गई थी लेकिन उन्होंने प्रथम श्रेणी बीए के साथ स्नातक किया वन ठि अभिनय करियर विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मीडोज ने कई लघु फिल्मों में कॉन्सीडीन को कास्ट किया साथ ही अपनी दूसरी फिल्म ए रूम फॉर रोमियो उन्नीस 1999 में भी कॉन्सीडीन ने अपने स्क्रीन डेब्यू में परेशान किरदार मोरेल की भूमिका निभाई पांच फिल्म में कॉन्सीडीन के प्रदर्शन के कारण पावेल पावलिकोवस्की ने उन्हें लास्ट रिजॉर्ट 2000 में अपनी पहली अभिनीत भूमिका में कास्ट किया कॉन्सिडीन ने प्रेम में डूबे मिसफिट अल्फी की मुख्य भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने थेसालोनिकी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता छह कॉन्सिडीन ने 24 ओवर पार्टी पीपल और इन अमेरिका जैसी पंथ फिल्मों में सहायक और अभिनीत भूमिकाओं के साथ 2000 के दशक के मध्य में अपनी प्रोफाइल में वृद्धि की 2004 में कॉन्सिडीन ने अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मीडोज की बदला लेने वाली फिल्म डेड मैं शूज 2004 हजार में रिचर्ड के रूप में एक फिल्म जिसे उन्होंने सहलिखा था सात पांच और जिसके लिए उन्होंने 2005 के एम्पायर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता का पुरस्कार जीता पांच उसी वर्ष उन्होंने निर्देशक पावेल पावलिकोव्स्की के साथ अपनी दूसरी फिल्म माई समर ऑफ लव में अभिनय किया दोनों फिल्मों को पुरस्कार सर्किट में मान्यता मिली जहां कॉन्सीडीन ने पांच नामांकन और दो जीत अर्जित की अगले वर्ष कॉन्सीडीन ए स्टोन्ड दो हजार में फ्रैंक थोरोगुड रोलिंग स्टोन्स के सहसंस्थापक ब्रायन जोन्स के संदिग्ध हत्यारे की भूमिका निभाई यह इस समय के आसपास था कि कॉन्सीडीन ने सिनेमा के खलनायकों विरोधी नायकों और घरे चरित्रों के एक लोकप्रिय चित्रकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की कॉन्सीडीन स्पेनिश थ्रिलर बोस्क डी सोम्ब्रास दो में दिखाई दिए इसके फिल्मांकन के दौरान ही कॉन्सीडीन ने वह लिखा जो बाद में उनकी पहली लघु फिल्म डॉग ऑल ऑलटेदर बनी कॉन्सीडीन का दावा है कि यह उनके सहकलाकार गैरी ओल्डमैन थे जिन्होंने उन्हें फिल्म बनाने का आत्मविश्वास दिया जिसके कारण उन्होंने अपने बाफ्टा स्वीकृति भाषण के दौरान ओल्डमैन को धन्यवाद दिया 2006 में उन्होंने पू दो में टिमोफी बेरेजिन के रूप में अभिनय किया जो एक रूसी परमाणु सुविधा में एक कार्यकर्ता है जो विकिरण की घातक खुराक के संपर्क में आता है दो में कॉन्सीडीन ने दो लोकप्रिय बड़े बजट की फ़िल्मों में भूमिकाएं निभाईं बॉर्न ट्रिलॉजी फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म द बॉर्न अल्टीमेटम जिसमें उन्होंने अखबार के रिपोर्टर साइमन रॉस की भूमिका निभाई सात और हॉटफ्ज दो हजार नौ में उन्होंने चैनल चार की लघु श्रृंखला रेड राइडिंग उन्नीस सौ अस्सी में पीटर हंटर के रूप में अभिनय किया जो डेविड पीस के उपन्यासों पर आधारित थी और मीडोज ले डोंक और स्कोरजेजी के साथ एक और सहयोग एक फिल्म जो बिना स्क्रिप्ट के एडलिब्ड थी और पाउंड अड़तालीस हजार की लागत से पांच दिनों में फिल माई गई थी और जिसका प्रीमियर एडिम्बर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था थ्री दो में कॉन्सीडीन ने जो डंथॉर्न की पुस्तक समरीन के एक फ़िल्म रूपांतरण में अभिनय किया जिसे रिचर्ड अयोडे ने लिखा और निर्देशित किया नौ no. इसके अलावा 2011 में कॉन्सीडीन केन ब्रुएन उपन्यास ब्लिच के रूपांतरण में पोर्टर नैश के रूप में दिखाई दिए साथ ही हेलेन एडमंडसन और नील मैके द्वारा लिखित द सस्पिशंस ऑफ मिस्टर व्हीचर में जैक व्हीचर के रूप में अभिनय किया उसी वर्ष कॉन्सीडीन को उनके ए रूम फॉर रोमियो ब्रास के सहकलाकारों में से एक बाफ्टा विजेता अभिनेत्री विकी मैकेर के साथ फिर से मिला दोनों ने फिल्मस फॉर लाइफ सीजन को बढ़ावा देने के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में स्क्रीन साझा की विज्ञापन को स्पेन में दो दिनों में शूट किया गया था दस वह कई संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं जिनमें सबसे उल्लेखनीय कोल्डप्ले का गॉड पुट ए स्माइल अपॉन योर फेस 2002 और मोलोको का फैमिलियर फीलिंग 2003, हज़ार तीन साथ ही आर्कटिक मंकीज का ट्रैक लीव बिफोर द लाइट्स कम ऑन दो हजार है जिसके लिए उन्होंने वीडियो लिखा था थ्री कॉन्सीडीन ने द वर्ल्ड्स एंड में अभिनय किया जो फाइव मस्किटर्स में से एक के रूप में एक महाकाव्य क्रॉल का पुनः प्रयास कर रहा था कॉन्सीडीन ने पहले हॉट फिज दो में कलाकारों और चालक दल के साथ काम किया था यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 19 जुलाई 2013 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2015 में कॉन्सिडी ने पुष्टि की कि वह फिल्म जर्नीमैन के लिए पटकथा लिख रहे हैं जिसमें वह अभिनय भी करेंगे यह जॉन होटन के नॉनफिक्शन उपन्यास द ईयर्स ऑफ द लोकस्ट का रूपांतरण है जो एक सोशियोपैथिक बॉक्सिंग प्रमोटर फैट्रिक पार्कर और उसके भोले भाले फाइटर टिम एंडरसन के साथ उसके बर्बाद रिश्ते की सच्ची कहानी है बारह कॉन्सीडीन द लीनिंग नामक एक भूत की कहानी पर आधारित एक फिल्म भी लिख वह किंग ऑफ द जिप्सीज पर शेन मीडोज के साथ काम करना जारी रखेंगे जो नंगे के लड़ाके बार्टले गोरमन की बायोपिक है जिनसे कॉन्सीडीन की मुलाकात हुई और फोटोग्राफर के रूप में काम करने के दौरान वे दोस्त बन गए सात 2015 में कॉन्सीडीन को ग्लेन क्लोज जेमा आर्टन के साथ यूके की जॉम्बी फिल्म द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स में कास्ट किया गया था जो एम आर कैरी के 2014 के उपन्यास द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स पर आधारित थी 14 अप्रैल 2017 में कॉन्सीडीन ने रॉयल कोर्ट थिएटर में द फेरीमैन में अपना पेशेवर स्टेज डेब्यू किया वेस्ट एंड में गिलगर थिएटर में स्थानांतरण से पहले फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन प्रोडक्शन को ब्रॉडवे पर बर्नार्ड बी जैकब्स थिएटर में स्थानांतरित कर दिया गया जहां 2 अक्टूबर 2018 को पूर्वावलोकन शुरू हुआ चार टोनी पुरस्कार जीतने वाले इस नाटक का समापन 7 जुलाई 2019 को हुआ 18, 19 क्विन कार्नी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए कॉन्स्टिडाइन ने ओलिवियर अवार्ड्स और द टोनी अवार्ड्स दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन प्राप्त किया दो में उन्होंने जूड लॉ के साथ एचबीओ मिनी सीरीज़ द थर्ड डे में मिस्टर मार्टिन की भूमिका निभाई ट्वेंटी 20. अगस्त 2022 में कॉन्सीडीन गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन में किंग विसरीज टारगरियन 21 के रूप में दिखाई देने लगे 22 कॉन्सीडीन आगामी जीवनी खेल ड्रामा जायंट में ब्रेंडन इंगल को मेना मसूद के साथ नसीम हमीद के रूप में चित्रित करेंगे 23 फिल्म निर्माण करियर कुत्ता कुल मिलाकर टायरानोसौर दो में कॉन्सीडीन ने पीटर मुलन अभिनीत अपनी पहली लघु फिल्म डॉग ऑल टुगेदर लिखी और निर्देशित की जो आंशिक रूप से कॉन्सीडीन के पिता पर आधारित थी डॉग ऑल टुगेदर ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए 2007 हज़ार बाफ्टा पुरस्कार जीता साथ ही 2007 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए सिल्वर लायन 2007 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स बीआईएफए में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश लघु और सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म जूरी अवार्ड नेरेटिव स्पेशल जूरी पुरस्कार सात बाद में उन्होंने ओलिविया कोलमैन और पीटर मुलन के साथ अपने पहले फीचर लंबाई निर्देशन टायरानोसॉर में लघु को विकसित किया सात अगस्त दो को लिया गया केरमोड ने अपने वार्षिक केरमोड पुरस्कारों में ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया चौबीस उन्होंने वी नीड टू टॉक अबाउट केविन के लिए टिल्डा स्विंटन के साथ बराबरी की चौबीस 18 दिसंबर 2011 तक फिल्म ने दुनिया भर में 28 नामांकनों में से 21 पुरस्कार जीते थे द गार्जियन ने 2012 के लिए फर्स्ट फिल्म अवार्ड के लिए अपनी शॉर्टलिस्ट में फिल्म को शामिल किया 25. जब 17 जनवरी 2012 को बाफ्टा पुरस्कार के नामांकन की घोषणा की गई तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में ओलिविया कोलमैन को शामिल न किए जाने से ट्विटर पर ओलिविया कोलमैन और टायरानोसौर दोनों की वैश्विक ट्रेंडिंग हुई छब्बीस साथ ही 2011 के संडांस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में उनके फ़ीचर निर्देशन की पहली फ़िल्म टायरानोसौर के लिए विश्व सिनेमा निर्देशन पुरस्कार भी मिला जर्नीमैन पैडी की अनुवर्ती फ़िल्म 2017 की जर्नी की जर्नीमैन फ़िल्म जिसे पैडी ने जोड़ी वहीटेकर के साथ लिखा और निर्देशित किया था और हालांकि टायरानोसौर की तुलना में इसे कम सराहा गया लेकिन इसने फाइटिंग समुदाय के भीतर प्रभाव डाला पूर्व यूएफसी मिडलवेट चैंपियन माइकल बिस्पिंग ने जर्नीमैन को खेल से अपनी सेवानिवृत्ति का प्रमुख कारण बताया 27. संगीत कैरियर कॉलेज के दौरान ग्रंट नामक एक वर्चुअल कॉमेडी थ्रैश ग्रुप में एक छोटे कार्यकाल के बाद कॉन्सीडीन और शेन मीडोज ने दोस्तों रिचर्ड ईटन साइमन हर्सन और निक हेमिंग बाद में द लीजर सोसाइटी के, के साथ बैंड शी टॉक्स टू एंजल्स उसी नाम के ब्लैक क्रोज गीत से प्रेरित का गठन किया जिसमें मीडोज गायक और कॉन्सीडीन ड्रमर थे तीन कॉन्सीडीन ने बैंड छोड़ दिया शेष सदस्यों ने खुद को ओसलो कहते हुए फिर से गठन किया जूल्स हॉलैंड के शो में दिखाई देने के दौरान जबकि कॉन्सीडीन ब्राइटन विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी का अध्ययन करने के लिए चले गए जहां उन्होंने एक नया समूह बनाया पेरेस्ट्रियन नामक एक ब्रिट पॉप बैंड बारह उनके रॉक बैंड ने राइडिंग द लो दो 2014 में कॉन्सिडाइन और राइडिंग द लो को संगीत में बड़ा ब्रेक मिला जब चार्लटन्स के टिम बर्गेस ने उन्हें वेल्स के पोर्ट मेरियन में फेस्टिवल नंबर छह में अपने क्यूरेटेड टिम पीक्स डिनर इवेंट में परफ़ॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया कॉन्सिडाइन ने बर्गेस से उनकी किताब टेलिंग स्टोरीज पढ़ने के बाद संपर्क किया था ताकि ध्यान पर चर्चा की जा सके बातचीत आगे बढ़ी और टिम ने उदारतापूर्वक हमें पोर्टमेरियन में खेलने की पेशकश की जिसके कारण बैंड ने इस साल लीसेस्टर में ओ-दो अकादमी में चार्लटंस का समर्थन किया मुझे मंच पर डर नहीं लगा हम तैयार थे हमने अपना इतिहास ऑफ कैमरा बनाया हम विकसित हुए हैं हम बेहतर हुए हैं पहले यह कच्चा था हमारे पास केवल अहंकार था हमें एक लंबा रास्ता तय करना था और हमने इन सभी गिग्स में अपना शिल्प सीखा हमने बैंड में एक अभिनेता होने के कारण किसी की मदद की उम्मीद नहीं की थी कॉन्स्टिडाइन ने कहा बारह 2016 में बैंड ने अपना दूसरा पूर्ण लंबाई वाला एल्बम आर हियर टू हेल्प द नेबरहुड रिलीज किया जिसे रॉकफील्ड स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और बोस्टन स्पेसशिप्स और गाइडेड बाय वॉयस के बासिस्ट क्रिस लूसरेंको द्वारा निर्मित किया गया कॉन्स्टिडाइन ने शब्द लिखे जबकि बैंड ने संगीत लिखा उद्धरण की आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन कॉन्सिडाइन अपने निजी जीवन में निजी रहते हैं और एक बार उन्होंने कहा था कि अगर वे कभी सेलिब्रिटी बन गए तो वे गायब हो जाएंगे और जाकर डैनियल डेलुइस की तरह जूते बनाएंगे यह डेलुइस के इटली में एक शूमेकर के रूप में काम करने के विश्राम का संदर्भ है उनतीस दो हजार दो में कॉन्सिडाइन ने शेली इंसले से शादी की जिसके साथ वे अठारह साल की उम्र से रिलेशनशिप में हैं उनके तीन बच्चे हैं कॉन्सिडाइन अभी भी अपने परिवार के साथ बर्टन अपॉन ट्रेंड के अपने नगर में रहते हैं सेवन थर्डी स्वास्थ्य अप्रैल 2011 में तब तीस के दशक में कॉन्सीडीन ने खुलासा किया कि उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पता चला था 31:32 वन फिल्मोग्राफी पैडी कॉन्सिडाइन द वर्ल्ड्स एंड प्रीमियर में लीसेस्टर स्क्वायर दस जुलाई दो फिल्म वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणिया उन्नीस रोमियो ब्रास के लिए एक कमरा मोरेल 2000 हज़ार अखीरी सहारा अल्फी रोमांटिक जमेरे 2001 हजार एक अब खुश ग्लेन मार्कस द मार्टिंस है एटफील्ड रिकॉर्डर संपादक 2002 हजार दो चौबीस घंटे पार्टी करने वाले लोग रोब ग्रेटन अपनी आंखें बंद करें इलियट स्प्रग्स मेरी गलतियां आठ हजार दो सौ पैंतालीस से आठ हजार दो सौ उनचास और एक सौ सत्रह उसे लघु फिल्म शेखीबाज चाकू वाला आदमी लघु फिल्म 2003 अमेरिका में छोकरा 2004 मृत व्यक्ति के जूते रिचर्ड जावेदे एमा एस्टन दो तीन एफ बटा जे डब्ल्यू आई बटा जन्म 25 जुलाई उन्नीस एक ब्रिटिश अभिनेत्री और नाटककार हैं उन्हें कॉमेडी ड्रामा फ़्रेश मीट और नॉट सेफ वर्क नेटफ्लिक्स हॉरर थ्रिलर फिल्म वेलवेट बच्चों में उनकी भूमिकाओं और ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ 2011 में जॉयस कैरोल विंसेंट के चित्रण के लिए जाना जाता है उन्होंने द मार्वल्स 2023 में डारबेन का किरदार भी निभाया प्रारंभिक जीवन एस्टन का जन्म 25 जुलाई उन्नीस को लंदन के हेक्नी में हुआ था चार वह युगांडा की मां विक्टोरिया पांच और अंग्रेज पिता पॉल एस्टन की तीन संतानों में सबसे बड़ी हैं छह उनके नाना पाओलो मुवांगा युगांडा के राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री थे सेक्स वह छह साल की उम्र से अन्ना शेर थिएटर स्कूल में पढ़ती थीं और नेशनल यूथ थिएटर की सदस्य थीं साथ उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से अभिनय में डिग्री हासिल की एट कैरियर अभिनय एस्टन की थिएटर क्रेडिट में द हेरोल्ड पिंटर थिएटर, लंदन में हेरोल्ड पिंटर की बेट्रियल और बर्नार्ड बी जैकब थिएटर ब्रॉडवे शामिल है राइनोसेरोस द आर्सोनिस्ट्स गॉन टू फार रॉयल कोर्ट ओथेलो ग्लोब थिएटर फ्रंटलाइन ग्लोब थिएटर ऑल द लिटिल थिंग्स वी क्रश्ड अल्मेडा दिस वाइड नाइट सोहो थिएटर माइकल फ्रेन की कॉमेडी हियर द रोज थिएटर किंगस्टन अबी मोर्गन की स्प्लेंडर डोनमार वेयरहाउस जीन जेनेट की द मेड्स ट्राफलगर स्टूडियोज सेलोम इन सेलोम हेडलॉन्ग थिएटर बटा है एम्पस्टेट थिएटर जून 2010 में एस्टन को सेलोम में उनके शास्त्रीय प्रदर्शन के लिए यान चार्लसटन पुरस्कार में दूसरा पुरस्कार दिया गया 2013 ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में एस्टन उनकी फ़िल्म क्रेडिट में शामिल हैं वेलवेट बजसौ नेटफ्लिक्स के लिए डैन गिलरॉय द्वारा निर्देशित ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ कैरोल मोर्ले द्वारा निर्देशित जिसके लिए उन्हें 2012 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूक्म श्रेणी में नामांकित किया गया था सेंट ट्रिनियंस दो द लीजेंड ऑफ फ्रिटन गोल्ड ब्लिच नॉक्टर्नल एनिमल्स टॉम फोर्ड द्वारा निर्देशित ग्रेटा नील जॉर्डन द्वारा निर्देशित उनके टीवी क्रेडिट में चैनल चार कॉमेडी फ्रेश मीट में वोर्ड छह भाग बीबीसी वन बटा नेटफ्लिक्स सीरीज वांडरलिस्ट में क्लेयर नौ डॉक्टर हूं बीबीसी में जर्नी ब्लू और चैनल चार के लिए नॉट सेफ फॉर वर्क में कैथरीन शामिल है एक बच्चे के रूप में एस्टन द रेमन हेडमास्टर के दो एपिसोड में दिखाई दिए नवंबर 2023 में उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फ़िल्म द मार्वल्स में डारबेन का किरदार निभाया छैन पुरस्कार मई 2010 में एस्टन को नायलॉन पत्रिका के यंग हॉलीवुड अंक द्वारा भविष्य के पचपन चेहरे में से एक नामित किया गया था अक्टूबर 2012 में उन्हें कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका से उनके वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में अल्टीमेट न्यूकमर ट्रॉफ़ी मिली नवंबर 2012 में उन्होंने नामांकित चैनल चार हिट फ्रेश मीट में वोर्ड की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू ऑन स्क्रीन प्रतिभा के लिए क्रिएटिव डायवर्सिटी नेटवर्क अवार्ड जीता 2013 में उन्होंने ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ में अपनी मुख्य भूमिका के लिए 2012 हजार बारह बटा दो में एक फिल्म में महिला प्रदर्शन के लिए स्क्रीन नेशन अवार्ड जीता लेखन एस्टन ने 17 साल की उम्र में कविता स्लैम में भाग लेना शुरू कर दिया था सात और 2000 में लंदन पोएट्री स्लैम चैंपियनशिप जीती ग्यारह दो में वह मैनचेस्टर के कॉन्टैक्ट थिएटर में यंग राइटर इन रेसिडेंस थीं ग्यारह उनके पहले नाटक हार्मस वे को 2007 में वेरिटी बारगेट पुरस्कार के लिए चुना गया था सात और नेशनल यूथ थिएटर के नए लेखन सत्र के हिस्से के रूप में 2008 में लोरी सेल्फोर्ड में इसका प्रीमियर हुआ उनके अन्य नाटकों में स्कंक नेशनल यूथ थिएटर और सोहो थिएटर द्वारा प्रदर्शित और शी फ्रॉम द सी दो में लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर लिफ्ट में प्रदर्शित शामिल हैं बारह एस्टन उनके नाटकों में से एक फॉर ऑल द वीमेन हुट देवर मैड को 2009 में रॉयल कोर्ट प्लेराइटिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में चुना गया था आठ ग्यारह उन्होंने द चिल्ड्रन मोनोलॉग्स के लेखन में योगदान दिया जिसे दक्षिण अफ्रीका के सवाना जुलू और सेसोथो बच्चों की 300 से अधिक मूल कहानियों से रूपांतरित किया गया और 2010 में ड्रामेटिक नीड द्वारा प्रस्तुत किया गया तेरह उन्होंने बुश थिएटर और क्लीन ब्रेक थिएटर कंपनी के साथ काम किया है फोर्चीन दो में एस्टन ने अपनी पहली पुस्तक कैरेक्टर ब्रेकराउंड प्रकाशित की जो एक अभिनेत्री के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित एक काल्पनिक संस्मरण है 15 जुलाई 2021 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया 16 अन्य कार्य एस्टन ने चैनल चार पर दिखाए जाने वाले 24 ओवर्स इन पुलिस कस्टडी के एपिसोड का वर्णन किया है 17. उन्होंने 2017 में उसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिक एनिमीज जेजेड बनाम काने का वर्णन किया एटीन दो में एस्टन ने आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड के सहयोग से चैनल चार की शॉर्ट फिल्म शोकेस रैंडम एक्ट्स की तीसरी श्रृंखला प्रस्तुत की एपिसोड दो में एस्टन द्वारा निर्देशित एक फिल्म शामिल थी जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी 19, 20 व्यक्तिगत जीवन एस्टन की सगाई अभिनेता टॉम हिडलेस्टन से हुई है उन्होंने दो वेस्ट एंड और दो ब्रॉडवे के पुनरुद्धार बेटेरियल में सहअिनय किया इक्कीस बाईस तेईस चौबीस उनका एक बच्चा है ट्वेंटी फाइव अभिनय श्रेय दो हज़ार तेरह में एस्टन फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां दो हजार नौ सेंट्रिनियन टू फ्रिटन के सोने की किम्बदती बियांका दो हजार ग्यारह बम बरसाना डब्ल्यूपीसी एलिजाबेथ फॉल्स वीकेंडर सारा जीवन के सपने जॉयस विंसेंट दो हजार चौदह वह स्थान जहां हम छिपने जाते हैं केवल निर्देशक लघु फिल्म खुश खिलौने केवल निर्देशक लघु फिल्म 2016 हजार सोलह निशाचर जानवर एलेक्स दो हजार अठारह ग्रेटा एलेक्सा है एमंड दो हजार उन्नीस मखमली बच्चों जोसेफिना दो हजार बाईस श्री मेलकम की सूची जूलिया थे 2023 दो हजार तेईस चमत्कार डारबेन डेविड मार्क जोसेफ मोरिसी जन्म इक्कीस जून उन्नीस एक अंग्रेजी अभिनेता और फिल्म निर्माता है प्रत्येक भूमिका के लिए की जाने वाली सावधानी पूर्वक तैयारी और शोध के लिए जाने जाने वाले उन्हें ब्रिटिश फ़िल्म संस्थान द्वारा अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी अंग्रेज़ी अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है वान मॉरिससी ने अपने अभिनय की शुरुआत 18 साल की उम्र में ड्रामा सीरीज वन समर उन्नीस से की और उसके बाद रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद रॉयल शेक्सपियर कंपनी और नेशनल थिएटर में चार साल तक काम किया 6 फीट 2 इंच 1.88 मीटर लंबे और आसानी से पहचानी जाने वाली आवाज वाले मॉरेसी को 1990 के दशक में अक्सर पुलिसकर्मियों और सैनिकों जैसे अधिकार वाले किरदारों में दिखाया जाता था लेकिन उन्होंने आवर म्यूचुअल फ्रेंड उन्नीस में ब्रैडली हेडस्टोन और हिलेरी एंड जैकी उन्नीस में क्रिस्टोफर फिंजी की भूमिकाओं से इस चलन को तोड़ा इसके बाद वे स्टेट ऑफ प्ले 2003 में स्टीफन कॉलिंस और द डील 2003 मैं गॉर्डन ब्राउन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिकाएं निभाने से पहले सम्वॉयस दो हज़ार और कैप्टन कोरेलिस मैंडोलिन दो में नजर आए उन्होंने डॉक्टर हूं स्पेशल द नेक्स्ट डॉक्टर 2008 में जैक्सन लेक की भूमिका भी निभाई जो भूलने की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति था और उसे विश्वास था कि वह ही डॉक्टर है उन फिल्मों के बाद के वर्षों में मॉरिस्सी ने द रीपिंग दो हजार सात सेंस एंड सेंसिबिलिटी 2008 रेड राइडिंग 2009, हजार नौ नोवेयर बॉय दो हज़ार नौ सेंचुरियन दो हजार दस और डैम्पायर दो हजार बाईस में भूमिकाएं निभाईं उन्होंने क्राइम ड्रामा दो हज़ार दस का निर्माण और अभिनय भी किया मॉरिसी दो हजार आठ में नील लाब्यूट की इन ए डार्क डार्क हाउस के लिए मंच पर लौटे और दो हजार ग्यारह में लिवरपूल एवरीमैन के मैकबेथ के प्रोडक्शन में शीर्षक भूमिका निभाई उन्होंने ब्रिटिश क्राइम फिल्म ब्लिच 2011 में भी अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक नैतिक रूप से संदिग्ध रिपोर्टर की भूमिका निभाई जो उसी नाम के पुलिस हत्यारे के संपर्क में था मॉरिसी ने लघु फिल्में और टेलीविजन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2001 और पासरबाई दो का निर्देशन किया है उनकी फीचरलेंथ डायरेक्टोरियल डेब्यू डोंट वरी अबाउट मी का प्रीमियर 2009 लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 2010 में बीबीसी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया उन्हें 2016 में एज हिल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया प्रारंभिक जीवन और शिक्षा डेविड मार्क जोसेफ मॉरिस्सी दो का जन्म 21 जून 1964 को लिवरपूल के केंसिंगटन क्षेत्र में हुआ था तीन उद्धरण वांछित लिटिलवुड्स कर्मचारी जोन और मोची जो मॉरिस्सी के बेटे चार पांच उनके दो बड़े भाई हैं जिनका नाम टोनी और पॉल है और एक बड़ी बहन का नाम करेन है छह सात परिवार केसिंगटन में पैंतालीस सेल्डन स्ट्रीट में रहता था दशकों बाद नेशनल म्यूजियम लिवरपूल के 800 जीवन परियोजना के हिस्से के रूप में मॉरिस्सी ने लिखा कि यह घर कम से कम 1900 से उनके परिवार में था उनकी दादी की शादी वहीं हुई थी और उनकी मां का जन्म भी वहीं हुआ था 1971 में परिवार नोटी एश में नए एस्टेट पर एक बड़े और अधिक आधुनिक घर में चला गया जबकि सेल्डन स्ट्रीट को बाद में ध्वस्त कर दिया गया था एट मॉरिसी को बचपन में फिल्म टेलीविजन और जीन केली के संगीत में काफी दिलचस्पी थी नौ उन्होंने टेलीविज़न पर केस का प्रसारण देखने के बाद अभिनेता बनने का फैसला किया दस सेंट मार्गरेट मैरी प्राइमरी स्कूल में उन्हें मिस केलर नामक एक शिक्षक ने प्रोत्साहित किया जिन्होंने उन्हें 11 साल की उम्र में द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज के स्कूल प्रोडक्शन में बिजुका के रूप में कास्ट किया था केलर ने जल्द ही स्कूल छोड़ दिया जिससे उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला ग्यारह बारह उनके माध्यमिक विद्यालय डी ला सैले स्कूल में कोई नाटक कक्षाएं नहीं थीं और उन्हें लगता था कि बदमाशी के डर से अक्सर विद्यार्थी पाठों में भाग लेने से कतराते हैं चार तेरह एक चचेरे भाई की सलाह पर वह एवरीमैन यूथ थिएटर में शामिल हो गए पहले कुछ हफ्तों तक वह काफ़ी शर्मीले थे और चौदह साल की उम्र तक मॉरिसी उन दो युवा थिएटर सदस्यों में से एक थे जो एवरीमैन थिएटर के बोर्ड में बैठे थे चौदह उनके समकालीनों में कैथी टायसन, भाई मार्क और स्टीफन मैग्न और यान हार्ट शामिल थे बाद वाले उनके दोस्त थे जब वे दोनों पांच साल के थे वह मैगैन भाइयों के साथ दोस्त बन गए और उन्होंने उन्हें अपने भाई पॉल से मिलवाया जो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा में अपनी पढ़ाई से छुट्टी पर थे 15, 16 जब मॉरेसी 15 साल के थे तब उनके पिता को एक घातक रक्त विकार हो गया था चार वह कुछ समय तक बीमार रहे और अंत चवन वर्ष की आयु में पारिवारिक घर में रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई फाइव सेवेंटीन सोलह साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद मॉरिसी एक वॉल्वरहैम्पटन थिएटर कंपनी में शामिल हो गए जहां उन्होंने सेट और वेशभूषा पर काम किया इचीन कैरियर अभिनय उन्नीस का दशक उन्नीस में मॉरिसी ने वन समर के लिए ऑडिशन दिया जो यॉर्कशायर टेलीविज़न और चैनल चार के लिए विली रसेल की एक टेलीविज़न सीरीज़ थी जो लिवरपूल के दो लड़कों के बारे में थी जो एक गर्मियों में वेल्स भाग जाते हैं रसेल कई वर्षों से एवरीमैन से जुड़े हुए थे और मॉरिस्सी ने उन्हें थिएटर से नीचे बार के पीछे काम करते हुए देखा था हालांकि दोनों को कभी मिलवाया नहीं गया था बारह मॉरिस्सी कम से कम आठ ऑडिशन में गए और एक में पॉल मैग्गैन के विपरीत इकी के भाग के लिए पढ़ा जो बिली के लिए पढ़ रहे थे मॉरिस्सी से पांच साल बड़े मैग्न का मानना था कि वह सोलह वर्षीय बिली की भूमिका निभाने के लिए बहुत बड़े थे और उन्होंने प्रोडक्शन से हाथ पीछे खींच लिए जिससे यह भूमिका मॉरिस्सी को मिल गई स्पेंसर लेह को इकी का हिस्सा मिला और इयान हार्ट ने रैबिट की सहायक भूमिका निभाई उनका मानना था कि 16 साल के बच्चों के भागने की सहानुभूति बड़ी उम्र के अभिनेताओं को कास्ट करने से खत्म हो जाती है बाद में रसेल ने मूल प्रसारण के क्रेडिट से अपना नाम हटा दिया बारह उन्नीस पांच महीने तक वन समर फिल्माने के बाद मॉरिसी अपने चचेरे भाइयों के साथ केन्या की यात्रा पर गए जब वे ब्रिटेन लौटे तो वन समर का प्रसारण हो रहा था और उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहचाने जाने के नए अनुभव से निपटा ठुआव मॉरिस्सी ने लंदन में राडा में अध्ययन करने की योजना बनाई थी लेकिन एवरीमैन में उनके सहयोगियों ने उन्हें ऐसा न करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि उनके पास पहले से ही इक्विटी कार्ड था उनके वन समर के सहकलाकार जेम्स हेजल्डाइन ने उन्हें इसके विपरीत मना लिया और वे एक साल के लिए लंदन चले गए वहां रहते हुए उन्हें घर की याद आने लगी और जिस तरह से राडा उन्हें एक नीरस अभिनेता में बदल रहा था वह उन्हें पसंद नहीं आया पंद्रह लिवरपूल की एक यात्रा पर उन्होंने पॉल मैग्गैन की मां से कहा कि वे कॉलेज छोड़ने पर विचार कर रहे हैं लंदन वापस आकर मैग्गैन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि जब वे पहली बार राडा गए थे तब भी वे उसी तरह की घर की याद से गुजरे थे मॉरिस्सी ने राडा में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1 दिसंबर 1985 को स्नातक की उपाधि प्राप्त की 16, 20 राडा में एक साल बिताने के बाद मॉरिसी लिवरपूल प्लेहाउस में डब्ल्यूसीपीसी में प्रदर्शन करने के लिए लिवरपूल वापस चले गए बारह इसके बाद उन्होंने चीक बाय जॉल के साथ ले सिड और ट्वेल्थ नाइट में काम किया और रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएससी के साथ दो साल बिताए मुख्य रूप से निर्देशक डेबोरा वार्नर के साथ जिनके लिए उन्होंने 1988 में किंग जॉन में बास्टर्ड की भूमिका निभाई उन्होंने इस भूमिका को सीखने के अवसर के रूप में देखा क्योंकि वह अक्सर राडा में सोचते थे कि क्या उन्हें कभी शास्त्रीय थिएटर में अभिनय करने का मौका मिलेगा बारह उनके प्रदर्शन को उत्पादन का सबसे विवादास्पद चरित्र चित्रण के रूप में वर्णित किया गया है उन्हें दरेली टेलीग्राफ और इंडिपेंडेंट आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली इक्कीस द गार्जियन में निकोलस डी जोंग ने लिखा द बास्टर्ड जिसके पास शुरुआती शेक्सपियर में सबसे जटिल वाक्य विन्यास है डेविड मॉरिस्से को आधा हरा देता है उसका धीमा कभी कभी समझ से परे उच्चारण बास्टर्ड को कमजोर करने में मदद करता है लेकिन उसकी बड़बड़ाती हुई बयानबाजी भयंकर स्पष्ट बोलने के बजाय मेहेज दिखावा लगती है बाईस मॉरिस्से ने नेशनल के साथ भी समय बिताया जहां उन्होंने पियर गिंट उन्नीस में शीर्षक भूमिका निभाई तेईस माइकल बिलिंगटन ने उनके प्रदर्शन की बेतरतीब ऊर्जा की प्रशंसा की चौबीस इस दौरान वह वहाइट सिटी में हाउसिंग एस्टेट में रहता था जहां वह और उसके फ्लैटमेट अक्सर चोरों के शिकार होते थे 25. फाइव की दूसरी टेलीविजन भूमिका उन्नीस में आई जब उन्होंने 18 वर्षीय ड्राइवर जॉर्ज बोमन की भूमिका निभाई जिसका अपने नियोक्ता और प्रेमिका अलमा रटम्बरी हेलेन मिरेन के प्रति जुनून उसे उसके पति की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है यह टेरेंस रेटिगन के नाटक कौच सेलिब्रे के इंग्लिया टेलीविजन रूपांतरण में था सत्ताईस 1980 के दशक के अंत में मॉरिसी पहली बार निर्देशक जॉन मैडेन से मिले मैडेन एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो उनकी फिल्म द विडोमेकर उन्नीस में एक साधारण आदमी का किरदार निभा सके जो बाद में एक सामूहिक हत्यारा बन जाता है उन्हें अपने पहले ऑडिशन में ही पता चल गया था कि मॉरिसी इस भूमिका के लिए सही है बारह अगले वर्ष मॉरिस्सी मैडेन द्वारा निर्देशित द स्टोरीटेलर के एक एपिसोड अठाईस रॉबिनहुड की सिनेमा रिलीज़ रॉबिनहुड प्रिंस ऑफ थीव्स उन्नीस से टकराई केविन कॉस्टनर द्वारा अभिनीत बाद वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मॉरिसी के संस्करण को भुला दिया गया रिलीज होने के बाद मॉरिसी आठ महीने तक फिल्म और टेलीविज़न में काम से बाहर रहे आखिरकार उन्हें बीबीसी टेलीविज़न ड्रामा क्लबलैंड उन्नीस सौ में सीआईडी अधिकारी की मुख्य भूमिका में लिया गया रिहर्सल के एक हफ्ते बाद ही उनकी अपेंडिक्स फट गई और वे लगभग अपनी भूमिका खो बैठे भूमिका को बनाए रखने के लिए और क्राउच एंड में एक फ्लैट जिसे उन्होंने अभी अभी खरीदा था मॉरिस्सी ने टांके लगने के बावजूद अभिनय किया ट्वेंटी फाइव उन्नीस सौ नब्बे का दशक द विडोमेकर में उनकी भूमिका ने उन्हें कई जुनूनी चरित्र भूमिकाएं प्रदान की और उन्होंने ये भूमिकाएं निभाईं उन्होंने ब्लैक एंड ब्लू फ्रेम्ड बिटवीन द लाइन्स और आउट ऑफ द ब्लू में पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभाई और द वन दैट गॉट अवे उन्नीस में सैनिक एंडी मैकनाब की भूमिका निभाई नौ बारह मॉरिसी की पहली मुलाकात पटकथा लेखक पीटर बॉकर से हुई जब उन्होंने बॉकर की आउट ऑफ द ब्लू की दूसरी सीरीज में डिटेक्टिव सार्जेंट जिम लेलेविन की भूमिका निभाई उनतीस उन्नीस में उन्होंने द नॉक की पहली सीरीज में कस्टम अधिकारी गेरी बर्च और छह भाग वाली आईटीवी सीरीज फिनी में स्टीफन फिनी की भूमिका निभाई फिनी में मॉरिसी ने स्टॉर्मी मंडे माइक फिगिस उन्नीस में स्टिंग द्वारा दी गई भूमिका को ग्रहण किया वह इस भाग के लिए पहली पसंद थे मॉरिसी ने टोनी मार्चेंट के नाटक में माइकल राइड की भूमिका निभाते हुए इनटू द फायर उन्नीस में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की और अगले वर्ष मार्चेंट की बीबीसी श्रृंखला होल्डिंग ऑन उन्नीस में शॉन सदन की मुख्य भूमिका निभाई बारह सदन एक कुटिल का निरीक्षक मॉरिस्सी के लिए कई अशांति में पुरुष भूमिकाओं में से पहला था और इसने उन्हें अगले वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए रॉयल टेलीविजन सोसाइटी आरटीएस कार्यक्रम पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया तेईस इकतीस उन्नीस में वे पॉल मैग्ञैन के साथ अवर म्यूचुअल फ्रेंड में दिखाई दिए चूंकि वह पुस्तक के प्रशंसक थे मॉरिस्सी ने निर्देशक जूलियन फरिनों से पूछा कि क्या वह यूजीन व्रेबर्न की भूमिका निभा सकते हैं लेकिन भूमिका मैग्ञान को मिल गई तेईस उनके प्रदर्शन को द गार्डियन के एक लेखक ने एक ऐसे चरित्र में अभूतपूर्व गहराई लाने के रूप में वर्णित किया जिसे आमतौर पर एक और भयानक डिकेंस गिट के रूप में चित्रित किया जाता है पंद्रह उसी वर्ष उन्होंने आनंद तकर की हिलेरी और जैकी में क्रिस्टोफर किफ़र फिंजी की भूमिका निभाई द गार्डियन के जो विलियम्स द्वारा आवर म्यूचुअल फ्रेंड और हिलेरी और जैकी में उनकी भूमिकाओं को उनकी सफल भूमिकाओं के रूप में वर्णित किया गया था फिफ्टीन उन्नीस में मॉरिससी ने थ्री डेज ऑफ रेन रॉबिन लेफेवर डोनमार वेयरहाउस में पिप और थियो की भूमिका निभाने के लिए नौ वर्षों में पहली और अंतिम बार थिएटर में वापसी की उन्होंने मंच की भूमिकाओं के लिए प्रस्ताव लेना जारी रखा लेकिन उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वह लंबे समय तक अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहते थे बत्तीस टाइम आउट में लिखते हुए जेन एडवर्डस ने सुझाव दिया कि हिलेरी और जैकी में किफ़र के रूप में उनकी भूमिका ने थ्री डेज ऑफ रेन में पिप के रूप में उनकी कास्टिंग को प्रेरित किया था क्योंकि पात्रों में एक दूसरे के साथ समानताएं हैं मॉरिस्सी इस भूमिका के लिए आकर्षित हुए क्योंकि नाटक एक लंबे भाषण के साथ शुरू हुआ और कलाकारों और चालक दल के पास केवल दो सप्ताह का पूर्वाभ्यास का समय था तैंतीस इसके बाद उन्होंने पीठ की भूमिका निभाते हुए कुछ आवाजें दो हजार में अभिनय किया बारह एक स्वतंत्र आलोचक ने उन्हें एक सहज अभिनेता कहा जो अपने पूरे शरीर का उपयोग आंतरिक अशांति को व्यक्त करने के लिए कर सकता है चौंतीस कैप्टन कोरेलीज मैंडोलिन 2001 में नाजी कैप्टन वेबर के रूप में अपनी अगली फिल्म भूमिका के लिए मॉरिसी ने हिटलर यूथ पर शोध किया और गीता सेरेनी की अल्बर्ट स्पीयर की जीवनी अल्बर्ट स्पीयर हिज बैटल विद ट्रूथ पढ़ी तेईस अपनी सभी भूमिकाओं की तरह मॉरिसी ने चरित्र को गढ़ने के लिए वेबर के लिए एक व्यापक बैक स्टोरी बनाई बारह दो के दशक जून दो में मैकबेथ के मध्यांतर के दौरान मॉरिस्सी मॉरिसी ने 2002 में पॉल एबॉट के क्लॉकिंग ऑफ के एक एपिसोड में एक फैक्ट्री कैंटीन कर्मचारी फ्रैनी रोथवेल की भूमिका निभाते हुए टेलीविजन पर वापसी की जो अपनी मृत बहन के बेटे को गोद लेना चाहता है द इंडिपेंडेंट में उनके प्रदर्शन को विशेष रूप से शक्तिशाली बताया गया था पैंतीस उन्होंने चार भाग के बीबीसी धारावाहिक मर्डर में टेब्लॉयर पत्रकार डेव डेवस्टन की भूमिका भी निभाई और आंशिक रूप से इम्प्रोवाइज सिंगल ड्रामा आउट ऑफ कंट्रोल में जेल अधिकारी माइक की भूमिका निभाई उन्होंने एक सप्ताह के लिए युवा अपराधियों के संस्थान में जेल अधिकारियों की छाया में रहकर बाद के भाग पर शोध किया छत्तीस पैंतीस दो की शुरुआत में उन्होंने दिस लिटिल लाइफ में रिची मैकग्रेगर की भूमिका निभाई मॉरिसी की अगली प्रमुख भूमिका पॉल एबॉट की बीबीसी धारावाहिक स्टेट ऑफ प्ले 2003 में संसद सदस्य एमपी स्टीफन कोलिंस की थी मॉरिसी को पहले तीन एपिसोड की स्क्रिप्ट मिली और वह अंतिम तीन पढ़ने के लिए उत्सुक थे जब उन्होंने मूल रूप से उनका अनुरोध किया था तब वे पूरी नहीं हुई थीं लेकिन एबॉट ने उन्हें बताया कि कोलिन्स की कहानी कैसे समाप्त होती है भूमिका को कैसे निभाना है इस बारे में अनिश्चित होने पर मॉरिस्सी को उनके मित्र निर्देशक पॉल ग्रीनग्रास ने राजनेता के रूप में कोलिन्स की भूमिका को सही करने की सलाह दी मॉरिस्सी ने स्टेट ऑफ प्ले की निर्माता हिलेरी बेवन जोन्स से संपर्क किया जिन्होंने मॉरिस्सी और चयन समिति के सदस्यों केविन बैरोन और फैबियन है हेमिल्टन के बीच बैठकें आयोजित की दोनों राजनेताओं ने मॉरिस्सी को बताया कि राजधानी के बाहर के निर्वाचन क्षेत्र से लंदन आना कितना मुश्किल है बारह उसी वर्ष उन्होंने पीटर मॉर्गन के एकल नाटक द डील 2003 में गॉर्डन ब्राउन की भूमिका निभाई जो उन्नीस में ब्राउन और टोनी ब्लेयर माइकल शीन के बीच हुए एक समझौते के बारे में था काल्पनिक स्टेट ऑफ प्ले के लिए अपने शोध के विपरीत मॉरिसी ने पाया कि इस तथ्य आधारित नाटक के लिए कोई भी राजनेता उनसे बात नहीं करना चाहता था इसलिए उन्होंने पत्रकार जॉन स्नो और साइमन हॉगर्ट की ओर रुख किया तेईस उन्होंने ब्राउन के गृहंगर किरककल्डी की भी यात्रा की और उन्नीस के चुनाव के आसपास के वर्ष में न्यू लेबर पर रॉस विल्सन की वृत्तचित्र फिल्मों सहित उस व्यक्ति की कई आत्मकथाओं में खुद को डुबो दिया अड़तीस तीन नौ ब्राउन के कई दोस्तों से उनके निजी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बात करते समय मॉरिससी ने पाया कि ब्राउन मजेदार मिलनसार और आकर्षक थे तेईस चालीस निर्देशक स्टीफन फ्रियर्स मूल रूप से ब्राउन के रूप में एक स्कॉटिश अभिनेता को कास्ट करना चाहते थे लेकिन अन्य प्रोडक्शन स्टाफ द्वारा उन्हें मॉरिसी को कास्ट करने के लिए राज़ी किया गया फोर्डी वन फोर्डी थ्रू स्टेट ऑफ प्ले और द डील में उनके अभिनय ने उन्हें काफ़ी प्रशंसा दिलाई उन्हें कोलिन्स की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था लेकिन अपने सहकलाकार बिल नाइगी से हार गए तैंतालीस द डील में उनके प्रदर्शन की गॉर्डन ब्राउन के पूर्व स्पिन डॉक्टर चार्ली व्हेलन और टोनी ब्लेयर के उप प्रेस सचिव टिम एलन ने सराहना की थी चवालीस पैंतालीस बीबीसी समाचार ऑनलाइन के एक लेखक ने एक समीक्षा में मॉरिसी की ब्राउन की शारीरिक हरकतों की समझ की प्रशंसा की जिसने फिल्म के बाकी हिस्सों की आलोचना की छियालीस मॉरेस्सी के प्रदर्शन ने अगले वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए आरटीएस प्रोग्राम पुरस्कार जीता इस बार नाइगी को हराया सैतालीस अड़तालीस आरटीएस जूरी ने मॉरिससी के बारे में लिखा उनचास दो हजार नौ में मॉरिससी ने मॉर्गन की तीसरी ब्लेयर फिल्म द स्पेशल रिलेशनशिप में फिर से ब्राउन की भूमिका निभाने का अवसर अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सिर्फ एक दृश्य के लिए ब्राउन की भूमिका निभाने की मानसिकता में नहीं आना चाहते थे इन नाटकों में अभिनय करने के बाद मॉरिससी एक हास्य भूमिका निभाने के लिए उत्सुक थे बाद में उन्होंने बीबीसी वन म्यूजिकल सीरियल ब्लैकपूल के लिए पीटर बोकर के साथ फिर से काम किया जिसमें उन्होंने ब्लैकपूल आर्केड के मालिक रिप्ले होल्डन की भूमिका निभाई सत्रह बोकर को आउट ऑफ द ब्लू से मॉरिससी याद थे और वे अभिनेता के हास्य बोध को भुनाना चाहते थे और उन्हें अलग तरह से कास्ट करना चाहते थे उनतीस फ़िल्मांकन शुरू होने से पहले मॉरिससी ने ब्लैकपूल में चार दिन बिताए और स्थानीय लोगों से बात की और पता लगाया कि आर्केड कैसे काम करते हैं चार दरेली टेलीग्राफ में उनके प्रदर्शन का वर्णन बमुश्किल दबाए गए खतरे और कमज़ोर बचकाने आकर्षण का एक शक्तिशाली मिश्रण के रूप में किया गया था इक्यावन बीबीसी डॉट को डॉट यूके पर एक सार्वजनिक सर्वेक्षण ने उन्हें 2004 का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दर्जा दिया बावन अगले वर्षों में मॉरिसी को दो हाई प्रोफाइल फीचर फिल्मों में कास्ट किया गया ब्रायन जोन्स की बायोपिक स्टोन्ड दो को फिल्माते समय उन्हें मनोचिकित्सक डॉ माइकल ग्लास के लिए ऑडिशन मिला जो बेसिक इंस्टिंक्ट दो हज़ार में मुख्य पुरुष किरदार थे उन्हें शेरोन स्टोन के साथ एक घंटे के स्क्रीन टेस्ट के लिए लॉस एंजल्स भेजा गया था उनके तत्काल तालमेल के कारण स्क्रीन टेस्ट को एक और घंटे के लिए बढ़ा दिया गया और मॉरेसी को इस भूमिका में कास्ट किया गया छत्तीस तेईस मॉरेसी ने पहली फ़िल्म का आनंद लिया था और सीक्वल की स्क्रिप्ट पसंद आई थी उन्होंने मनोचिकित्सा के बारे में पढ़ा और नग्नता वाले दृश्यों के लिए जिम में कसरत की छत्तीस फिल्म बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक रूप से असफल रही चौवन पचपन सत्तावन उसी वाशिंगटन पोस्ट के आलोचक ने बाद में लॉस एंजल्स टाइम्स में लिखा कि क्योंकि मॉरेसी एक फिल्म स्टार नहीं थे इसलिए उनके और स्टोन के बीच की केमिस्ट्री खराब हो गई थी अट्ठावन एवी क्लब के नाथन राबिन ने लिखा कि मॉरेसी में बेज वॉलपेपर का करिश्मा था और निर्माता शूटिंग के बीच में उन्हें एक सुंदर महोगनी कोट रैक से बदल सकते थे और कोई भी अंतर नहीं बता पाएगा उनसठ खराब समीक्षाओं ने मॉरिसी को निराश कर दिया और उन्होंने कुछ समय के लिए अभिनय छोड़ने पर विचार किया लेकिन इसके बजाय भूमिका को सीखने के अवसर के रूप में देखा छैन बेसिक इंस्टिंक्ट दो के फिल्मांकन के तुरंत बाद उन्होंने लुइसियाना में द रीपिंग दो पर काम करना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने हिलेरी स्वांग के विपरीत विज्ञान शिक्षक डग ब्लैकवेल की भूमिका निभाई प्री प्रोडक्शन में उन्हें भूमिका की पेशकश काफी देर से की गई थी और बेसिक इंस्टिंक्ट दो के खत्म होने के बाद सोमवार को उन्होंने बैटन रूज के लिए उड़ान भरी उन्होंने यह भूमिका इसलिए ली क्योंकि वह स्वांग और हॉपकिंस की फिल्म द लाइफ एंड डेथ ऑफ पीटर सेलर्स 2004 के प्रशंसक थे और उन्होंने रीपिंग स्क्रिप्ट के हॉरर पहलू के ऊपर थ्रिलर पहलू को प्राथमिकता दी फिल्मांकन के एक हफ्ते के बाद जब तूफान कैटरीना ने राज्य को मारा तो उत्पादन को निलंबित करना पड़ा उन्हें फिल्मांकन का कार्यक्रम काफी मांग वाला लगा विशेष रूप से तीन सप्ताह की रात की फिल्मांकन और एक दृश्य जिसमें उनके चरित्र पर टिड्डियों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता दोनों फिल्मों की असफलताओं के बावजूद मॉरिस्सी आभारी थे कि उन्होंने उन्हें हॉलीवुड से अधिक फिल्म प्रस्तावों के लिए खोल दिया थर्टी मार्च दो में मॉरिस्सी ने न्यूजीलैंड में द वॉटर हॉर्स लीजेंड ऑफ द डीप 2007 में एक भूमिका निभाई वहां रहते हुए उन्हें के प्रथ में पिता डैनी ब्रोगन की भूमिका की पेशकश की गई जो एक रहस्यमय गांव में गवाह सुरक्षा योजना पर ले जाए जाने वाले परिवार के बारे में एक इकोसे फिल्म श्रृंखला है उन्होंने सितंबर 2006 में सात भाग की श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए और वर्ष के अंत तक श्रृंखला को फिल्माया बासठ उन्होंने चरित्र की पिछली कहानी पर काम करने का आनंद लिया क्योंकि यह उनकी और दर्शकों दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करता था तिरसठ श्रृंखला को ब्रिटेन और अमेरिका में 2007 में प्रसारित किया गया था बासठ अगले वर्ष उन्होंने एंड्रयू डेविस के धारावाहिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी में कर्नल ब्रैंडन की भूमिका निभाई चौंसठ वह द अदर बोलिन गर्ल दो में थॉमस हॉवर्ड ड्यूक ऑफ नॉर्फॉक के रूप में भी दिखाई दिए उन्होंने नॉर्फॉक की तुलना मोटरहेड के बासिस्ट लेमी से की और सोलहवीं सदी की इतिहास की किताबें और साहित्य पढ़कर भूमिका पर शोध किया छैन नवंबर 2008 से जनवरी 2009 तक मॉरिसी नौ साल में पहली बार थिएटर में लौटे और नील लाब्यूट के इन ए डार्क डार्क हाउस के अल्मेडा थिएटर के ब्रिटिश प्रीमियर में दिखाई दिए उन्होंने टेरी की भूमिका निभाई जो दो भाइयों में से एक था जिसे एक बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार किया गया था स्टीवन मैकिटॉश और कीरा स्टर्नबैक के साथ उन्होंने यह भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि उन्हें लाब्यूट का पिछला नाटक द मर्सी सीट 2002 पसंद आया था भूमिका को स्वीकार करने के बाद उन्होंने वयस्कों के केस स्टडीज को पढ़कर चरित्र पर शोध किया जो बचपन में दुर्व्यवहार का शिकार हुए थे उन्होंने सीखा कि वे अपने दुर्व्यवहार की शर्म से कैसे निपटते हैं और उन भावनाओं को अपने अभिनय में शामिल किया वह रिहर्सल के दौरान लाब्यूट से सलाह भी ले पाए छियासठ द टाइम्स के बेनेडिक्ट नाइटिंगेल ने शुरू में माना था कि मॉरिससी का अभिनय थोड़ा कठोर था लगभग ऐसा लगता था जैसे वह सामग्री पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा उन्हें वह अधिक प्रभावशाली लगा 67 दिसंबर 2008 में वह अपने ब्लैकपूल के सहकलाकार डेविड टेनेंट के साथ द नेक्स्ट डॉक्टर में दिखाई दिए जो कि डॉक्टर हूं का 2008 का क्रिसमस स्पेशल था जिसमें उन्होंने जैक्सन लेक की भूमिका निभाई जो एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि उसका दिमाग विदेशी तकनीक से प्रभावित होने के बाद वह डॉक्टर है मॉरिस्सी को पहले भी श्रृंखला में शामिल होने के लिए कहा गया था लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण उन्हें प्रस्ताव ठुकराना पड़ा था अड़सठ उन्होंने किसी भी अन्य नाटकीय हिस्से की तरह चरित्र का सामना किया और उनके प्रदर्शन में पिछले डॉक्टर अभिनेताओं विलियम हार्टनेल पैट्रिक ट्रॉटन और टॉम बेकर से प्रभावित थे उनहत्तर एपिसोड में मॉरिसी की भूमिका के सटीक विवरण के बारे में गोपनीयता थी प्रसारण के दिन तक उनके चरित्र को केवल दूसरे डॉक्टर के रूप में संदर्भित किया गया था अड़सठ सत्तर सितंबर 2009 में उन्होंने मनोरंजन वेबसाइट डिजिटल स्पाई से कहा कि अगर उनसे पूछा जाए तो वह खुशी खुशी शो में वापस आएंगे सेवेंटी मार्च 2009 में मॉरिस्सी ने रेड राइडिंग में भ्रष्ट पुलिस जासूस मॉरिस जॉबसन की भूमिका निभाई जो डेविड पीस के रेड राइडिंग उपन्यासों का चैनल चार रूपांतरण था मॉरिस्सी पहले से ही फिल्मों के निर्देशकों को जानते थे पटकथा पढ़ने का आनंद लेते थे और या तो अपने सहकलाकारों के साथ अन्य परियोजनाओं पर काम कर चुके थे या उनके साथ काम करना चाहते थे उन्हें जॉबसन के चरित्र की खामियां पसंद आईं और यह कि वह टेलीविजन पर चित्रित विशिष्ट सतर्क पुलिस अधिकारियों से अलग है बेहतर मॉरिसी ने जॉबसन के बारे में कहा मुझे लगता है कि वह एक अच्छा पुलिस वाला बनना चाहता है वह अपना काम अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है और उसे पता चलता है कि थोड़ा भ्रष्ट होना थोड़ा गर्भवती होने जैसा है आप या तो होते हैं या नहीं होते सत्तर उन्हें इस भूमिका के लिए ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला तिहत्तर वर्ष के अंत में मॉरिसी ने जॉन लेनन की बायोपिक नोवेयर बॉय 2009 में बॉबी डाइकन्स की भूमिका निभाई एक स्वकबूल बीटल्स गीक के रूप में मॉरिसी ने लेनन के बचपन के बारे में फिल्म में अभिनय करने का अवसर प्राप्त किया 74 मॉरिसी पूरे 2010 में स्क्रीन पर सक्रिय थे उन्होंने बीबीसी की एकल ड्रामा मिसेज मंडेला में विनी जिला मंडेला के पूछताछकर्ता थ्यूनिस स्वानेपेल की भूमिका निभाई उनके प्रदर्शन की द गार्जियन और इंडिपेंडेंट आलोचकों ने प्रशंसा की पचहत्तर छिहत्तर अगले महीनों में उन्होंने बीबीसी वन के फाइव डेज की दूसरी सीरीज में ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस अधिकारी माल क्रेग नील मार्शल की फीचर सेंचुरियन में रोमन सैनिक बोथोस यू बी डेड में पीड़ित जान फल्कोवस्की का पीछा करने और अगाथा क्रिस्टी के पॉयरोट के मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस के रूपांतरण में कर्नल जॉन अर्बुतनॉट की भूमिका निभाई पचास सतहत्तर 2011 और 2013 में उन्होंने द फील्ड ऑफ ब्लड 2010 का दशक दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में 20 मई 2011 को ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी साथ ही साथ 94 फोर सेवन मिनट और इसकी टोटल लेंथ थी साथ ही साथ 15 मिलियन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इसी वजह से जो मेकर्स है वो डिले कर रहे थे इसके अगले पार्ट को बढ़ाने के ऊपर और अब फाइनली कुछ अपडेट निकल कर आई है जो भी मैं आपको बता चुका हूँ तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा बालेकिन दबा कर पर सेट कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में